Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our last part we have just completed the chapter A Special Request, and today we were going to discuss about its question and answers. Okay, so agar hum question answer ki baat karte hain to first aata hai answer these questions with reference to the context. यानी कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वो आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज दैट पॉसिबल, हु सेड दिस एंड टू हुम. अशोक भाट सेड दिस एंड टू द ट्विंस. टू हुम? टू द ट्विंस. एंड द नेम इज श्रेणी एंड सैली. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why does the speaker ask this question? How is that possible? ये question जो है वो speaker ने क्यों पूछा. So the speaker asked this question because they were twins. Okay? So speaker ने ये question पूछा क्योंकि वो क्या थी? Twins थी. Because ये वाला जो sentence है how is that possible, इसके पहले वो श्रेणी और शैली कहती हैं कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, बट दे सेड दैट वी आर ट्विंस. तो दैट इज़ वाई अशोक भाट सेड दैट हाउ इज़ दैट पॉसिबल. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन टू द स्पीकर. इज हाउ इज़ दैट पॉसिबल में जो शैली और श्रेणी है वो अशोक भाट को क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं. श्रेणी सेड दैट सैली इज 12 मिनट्स ओल्डर दैन हिम. तो शैली जो है वो क्या है उससे 12 मिनट्स ओल्डर है, इसलिए वो 13 ईयर्स ओल्ड है और मैं 12 ईयर्स ओल्ड हूँ. ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. प्रोबेबली आई वॉज द कुक. हुज वर्ड आर दीज ओरिजिनली? अशोक और हिज फादर्स. ऑफकोर्स अशोक के फादर का ही ये वर्ड्स हैं. देन व्हेन डिड ही से दिस? ये शब्द उन्होंने कब कहे? When he was one asked, did you kill anyone? जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी को मारा है, तो उन्होंने ये आंसर दिया. What was said after this? इस आंसर को सुनने के बाद में क्या कहा गया? After this, Ravikant was asked if the cooks here are under surveillance. यानी कि यहाँ पर जो कुक हैं कम से कम उनका तो ध्यान रखा जा रहा है ना, कहीं ये ना हो कि वो हमें ही क्या करें मार दे. ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चन. व्हाट वाज अ स्पेशल सेलिब्रेशन फॉर? सो द स्पेशल सेलिब्रेशन वाज फॉर जैकब एंड शीला जॉनसन्स गोल्डन जुबली. तो ये सेलिब्रेशन किस लिए था? शीला और जैकब जॉनसन जो हैं उनकी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी थी, उसके लिए रखा गया था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड रविकांत मेक श्योर एवरीवन एंजॉयड द इवनिंग. रविकांत जो है ये उसने श्योर कैसे किया कि हर एक इंसान चाहे वो किसी भी एज का हो, एज ग्रुप का हो, वो इस चीज़ पार्टी को इंजॉय करे. सो रविकांत अरेंज्ड एवरी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द वेरिंग एज प्रेजेंट सो दैट एवरीवन कुड एंजॉय द इवनिंग. सबसे पहले जब पार्टी और सेलिब्रेशन रखा गया तो उसने हर एक तरीके का एंटरटेनमेंट रखा हर एक एज के लिए, ताकि हर कोई उस इवनिंग को इंजॉय कर सके. फॉर दिस ही ऑल्सो इन्वाइटेड अ स्टार एंटरटेनर अशोक भाट, अ फेमस सिंगर एंड लिरिसिस्ट. और इसके लिए उन्होंने अशोक भाट को इनवाइट किया जो कि कॉमेडियन भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं और जोक्स भी क्रैक करते रहते हैं. देन द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वे वाज अशोक भाट्स इनविटेशन द बेस्ट गिफ्ट. सो अशोक भाट को इनविटेशन दिया जाना रविकांत की तरफ से सबसे बेस्ट गिफ्ट क्यों है? अशोक भाट्स इन्विटेशन वॉज द बेस्ट गिफ्ट बिकॉज रविकांत पेरेंट्स लव्ड हिज म्यूजिक. क्योंकि रविकांत के जो पेरेंट्स हैं जिनके लिए ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रखा गया है, उन्हें अशोक भाट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं. ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू राइट अ स्पेशल सॉन्ग फॉर देम.
उसने उन्हें बोला कि अशोक भाट को रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल सॉन्ग लिखो एंड परफॉर्म इट वेल और उनके सामने परफॉर्म भी करो। अशोक भाट्स परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड बाई ऑल द गेस्ट एज ही प्रोवाइडेड अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये जो है अशोक भाट ने अपनी जो एंटरटेनमेंट है उससे सबका ही सबको एंटरटेन किया। देन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द चिल्ड्रन फाइंड द केक जोक फनी। जो बच्चे हैं उनको केक वाला जो जोक है जो कि अशोक भाट ने सुनाया था वो फनी क्यों लगा। The children found the cake joke funny because Ashok Bhat played with words like tires. क्योंकि अशोक भाट ने क्या किया था, केक के लिए वर्ड यूज़ किया था टायर्स। अब जो लोग हेल्दी होते हैं, फैटी होते हैं, उनके जो स्टमक है वहाँ पर आप टायर्स जैसी शेप देख सकते हैं, वैसा ही कुछ जो केक के लिए भी कहा गया। तो ये जो वर्ड था वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फनी लगा। His act has brought uproarious laughter that had made everyone wiping their tears. और उनके जो जोक्स थे वो इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, कॉमिक थे कि हर एक इंसान की आंखों में से आंसू और पेट में दर्द होने लग गया था। दिस इज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट रिक्वेस्ट वाज अशोक अटेम्प्टिंग टू फुलफिल ऑल इवनिंग। पूरी शाम जो है वो कौन सी रिक्वेस्ट जो है अशोक पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। So the request that Ashok was attempting to fulfill all the evening was made by the twins. Dono twins jo hain unhone ye request kari thi. They had requested Ashok Bhat to make a great grandfather laugh. Unhone Ashok Bhat jo hai usse ye request ki thi ki great grandfather jo hai unko hasa do. Fifth, sixth question is, what does the last sentence in the story mean? So the last sentence in the story means that for the first time Ashok was speechless. He was a witty person, but the twins had outmatched him with a prank. कि अभी तक लाइफ में पहली बार हुआ था कि अशोक भाट जो है उनके पास में कहने के लिए वर्ड्स नहीं थे। ही वॉज टोटली स्पीचलेस बिकॉज वो जो ट्विंस हैं उन्होंने अशोक भाट के साथ में एक प्रैंक किया था और वो सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर यू हैव टू राइट इन योर फेन नोटबुक। थैंक यू।